रायबरेली में विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल। सवालों के बीच चुनाव आयोग मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। रायबरेली में डीएम हर्षदा माथुर ने लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम वीवीपैट जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। जागरूकता शिविर में डीएम ने पब्लिक को डेमो दिया। वहीं डीएम हर्षदा माथुर ने बताया है कि अभियान जिले के सभी तहसीलों में किया जाएगा। इनके साथ ही अगर चुनाव आयोग के निर्देशन ब्लॉक में भी आयोजित किया जाएगा। रायबरेली के लिए उषा के लिए राम भवन रायबरेली। मैम आज यहाँ ईवीएम का जो है वो ट्रायल हुआ है। आज हम सभी लोग यहाँ पर ईवीएम प्रदर्शन केंद्र पर मौजूद हैं। ईवीएम प्रदर्शन केंद्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जो ईवीएम से संबंधित जन जागरूकता और प्रचार प्रसार का कार्य होना है। ईवीएम की जो जानकारी है, जो आम जनमानस हमारे जो वोटर्स हैं उन सभी को जो जानकारियाँ चाहिए उसके संबंध में मशीनों का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। उनको हैंड्स ऑन इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये जनपद में कलेक्ट्रेट पे तथा सभी तहसीलों में ऐसे ईवीएम प्रदर्शन केंद्र बनाए गए हैं जहाँ जिनके माध्यम से जन जागरूकता की जा रही है। मैम ये प्रोग्राम ब्लॉकों पे भी होगा क्या? देखिए वर्तमान में ये तहसीलों पे चल रहा है और इसको हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाया जाए और आगे इसकी रणनीति समय समय पर तय की जाती रहेगी।